तो आज तैयारी हो गई है कबीर के स्कूल जाने की। सेकंड प्री बोर्ड का रिजल्ट है एंड साथ साथ में हम रेडी हो रहे हैं। देखो बच्चों को ये होता है, बड़े हो जाते हैं ना, बच्चों को ये होता है कि हमारे साथ जो चले वो भी यंग लगे। एज के साथ तो सारे ढलते ही हैं। देखो फिर भी मैंने कोशिश की है पूरी तरह, कबीर को ये होता है मम्मा ये डालो वो डालो, अच्छा लगना चाहिए वहाँ पे, तो कोशिश पूरी की है मैंने स्कूल के उनके साथ यंगस्टर्स के साथ लुक्स मैच करने की। यू कैन सी, देखो परफ्यूम के बिना पूरी जो लुक है अधूरी होती है, सो मैं परफ्यूम जरूर वियर करती हूँ। सो दिस इज शनेल, सो लेट्स वियर दैट, नॉट वेस्टिंग द टाइम, ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं। तो मैं बेसिक यू नो मेन पॉइंट्स पे ही डालती हूँ ये परफ्यूम अपने, जहाँ पे नोट्स ज़्यादा मतलब हाईलाइट हों। ये साथ में मैंने किम से ही परचेज की थी पहले, तो ये सभी के साथ जा सकती है, बट यू कैन परचेज ओवर देयर, वहाँ पे कई बार डिस्काउंट भी लगता है, लेकिन ये नॉन डिस्काउंटेड थी और इसकी कॉस्ट भी मतलब वहाँ कॉस्टली ही मिलती है। और सो लेट्स गो देयर। ये देखो यहाँ आए हैं डोसा कॉर्नर, यहाँ गाइस आए हैं डोसा कॉर्नर जो कि कबीर के स्कूल के पास ही है। यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताती हूँ आपको। देखो स्कूल में जाके बहुत खुशी होती है बच्चों के बारे में, फिर टीचर्स बताते हैं ऐसे थे वैसे थे, फीडबैक मिलती है तो अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे फिर डिसाइड किया कि चलो डोसा कॉर्नर जाके, पश्चिम बिहार में है ये डोसा कॉर्नर, इसके इडली सांभर डोसा वगैरह बहुत स्वाद होते हैं। हमने इडली और मैंने एक उत्पम ऑर्डर किया, कबीर ने डोसा खाया, सो बहुत टेस्टी है। डोसा ये ट्राइंगुलर शेप में देते हैं, ये बटर मसाला डोसा इसने ऑर्डर किया है। तो इसके पापा जब इसके साथ आते हैं तो वो भी ऑर्डर करते हैं, तो अभी मेरा उत्पम आ रहा है, तो इसमें अभी आपको याद है चटनी एंजॉय करती हूँ। दो टाइप की तो चटनियाँ होती हैं इनकी, दो तीन टाइप की चटनियाँ होती हैं, साथ में सांभर होता है और साथ में ये उत्पम है, स्टीम निकल रही है उत्पम से, तो ये मतलब खा के मज़ा आ जाता है क्योंकि गरम गरम है और सर्दी में वैसे भी गरम गरम अच्छा लगता है। और फिर साथ साथ में मतलब खाने में साथ साथ में बातें भी करती हूँ। देखो लाइफ में ये है ना कि घूमते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कहीं भी आओ तो मौका ना छोड़ो कहीं पे नया नया ट्राई करने का। तो ये हमने बहुत टाइम पहले ट्राई किया था डोसा, और इसके बाद हमारा ये फेवरेट बन गई प्लेस डोसा खाने के लिए साउथ इंडियन। मतलब साउथ इंडियन में मैं घर पर भी बड़ा अच्छा बनाती हूँ, जैसे मेरा फेवरेट है साउथ इंडियन, और घर पे भी बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। कभी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी, जैसे मैंने सांभर की सेकेंड व्लॉग में की ना, तो मैं किस दिन उत्पम डोसा इडली और पाई चटनी तो मैंने बनानी सिखा दी, रेड चटनी की भी मैं रेसिपी किस दिन अपलोड करके आपको दिखाऊँगी और लाइव दिखाऊँगी कैसे बनता है ये सारी। बिकॉज मेरा फेवरेट है, जो फेवरेट है वो इंसान को आता ही होता है। घर पहुँच गए हैं गाइस और मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। पापा ने आके बोल दिया कि मिक्स वेज बनाऊँ, तो उसके लिए उन्होंने ढेर सारी सब्जियां लेके रखी थी मिक्स वेज के लिए। जैसे आपको पता है हम हल्दीराम में भी मिक्स वेज जब थाली ऑर्डर करते हैं, हल्दीराम में भी खाते हैं, क्वालिटी में भी थाली मिलती है, तो उसमें जो मिक्स वेज होती है उसमें काफ़ी टेस्ट होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली है। तो मैं सारी मिक्स वेजिटेबल्स डाल के बॉयल कर रही हूँ। इसमें कैरेट है, पीज है, बीन्स है, आलू है, और साथ में मटर है एंड और गोभी भी है, मशरूम भी हैं, कैप्सिकम भी है, जितनी आपके पास हो सकती हैं आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो इसमें। साथ में पनीर भी जाएगा, लेकिन वो मैंने इसमें एक साइड से तड़का लग रहा है, ये तड़का लग रहा है, इसमें तड़का बहुत अच्छा आपने रिच लगाना होता है इसमें, तो एज टू इन बाइट द टेस्ट। तो मिक्स वेज जब बनेगी तैयार होगी वो मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी। ये हैप्पी बर्थडे वाइफ उसने लिखने के लिए बोला था, तो वो अब हम लिखेंगे। यू कैन सी द ऑर्डर, मोस्टली व्यू कर लो। ये मैंने एक घंटे में बना दिया है विद, मतलब इसमें स्पॉन्ज भी मेरी बेक हुई, साथ में फ्रॉस्टिंग भी हुई, 1 आवर में तैयार हो गया था रेडी।
ऑर्डर ना स्विगी ने कैंसिल कर दिया बिकॉज हमें टाइम लग रहा था. मैंने फ़ोन किया था कि हमें टाइम लग रहा है बनाने को, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया. देन कस्टमर अगेन कॉल्ड अस एंड से कि हमने आपसे ही बनवाना है, कोई बात नहीं, आप आराम से टाइम लगा के बनाओ और मैं डायरेक्टली लेने आ रहा हूँ बिकॉज स्विगी ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है. सो देखो ये भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं हमारे लिए जब कस्टमर कहे कि हमने कहीं से ऑर्डर नहीं लेना, हमने आपसे ही लेना है. तो यू नो आज अब मैं ब्रांडिंग भी आपको करनी सिखाऊंगी कि आप अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसका ब्रांड नेम कैसे चूज करें, उसके लिए आपको मतलब कैसे उस ब्रांड को आगे बढ़ाओ, कैसे कैसे उसकी एडवर्टाइजिंग करवा सकते हो बीइंग अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले व्लॉग्स में.